आप देख रहे हैं TNN 24 नागपुर का और पूरे महाराष्ट्र का जो है नंबर वन चैनल, और हम आपका स्वागत करते हैं। और हम जिस जगह बैठे हैं, ये जनता फाउंडेशन का ऑफिस है जो कि काजी जिसान सिद्दीकी साहब इसके अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ में रियाज शेख भी हैं। और जिसान सिद्दीकी जी से तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि रियाज भाई ने जो पुरस्कार पाए हैं, जो गवर्नर महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी जी ने जो इनको पुरस्कार दिया है, ज्यादा खुशी की बहुत ज्यादा गर्व की बात है। और ये जो चीज है जो हाईलाइट होना चाहिए, कई चीजें जो जिस लेवल पर हाईलाइट होना चाहिए उस लेवल पर कई बार हाईलाइट नहीं की जाती है, तो मेरा ये मानना है कि ये चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इस चीज को हाईलाइट करना चाहिए। ऐसे जो रियल पत्रकार है इनको सम्मानित किया जाना चाहिए, ये क्योंकि गर्व की बात है, हमारे लिए नहीं पूरे महाराष्ट्र की जनता के लिए गर्व की बात है। गवर्नर द्वारा पुरस्कृत किए जाने पर हमारे TNN 24 न्यूज के चीफ एडिटर रियाज शेख भाई, इनका हम लोग जनता फाउंडेशन की तरफ से सत्कार कर रहे हैं। बहुत बहुत आपको मुबारक हो रियाज भाई। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको और कामयाब करे और आगे बढ़े। शुक्रिया। और नागपुर का, विदर्भ का, शायद विदर्भ में पुरस्कार रियाज शेख को मिला है राज्यपाल के जरिए, आपका भगत सिंह जी कोश्यारी के हस्ते इनको 22 फरवरी को कर्तव्य प्रेरणा पुरस्कार से नवाजा गया। तो बहुत बड़ी गर्व की बात है कि नागपुर से हमारे रियाज भाई अचलपुर को बिलोंग करते हैं, नागपुर से है, खुशी की बात है हम सबके लिए। मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनता फाउंडेशन का, जो कोरोना काल में काफी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और आज भी वो जनता के लिए कोशिश करते हैं उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए। तो मैं आज इनके जनता ऑफिस, जनता फाउंडेशन के ऑफिस में हूँ, जहाँ सब भाइयों ने मेरा स्वागत किया। निशान सिद्दीकी भाई जो अध्यक्ष है जनता फाउंडेशन के, उनका भी स्वागत, और यहाँ तमाम जितनी टीम है जनता फाउंडेशन की जो कांधे से कांधा लगा के काम करती है, निशान सिद्दीकी भाई के साथ रहती है, उन सबका, आप सबका, तमाम यहाँ जो मौजूद है उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। TNN 24 न्यूज चैनल की ओर से धन्यवाद देता हूँ। ये टीम नहीं, मेरे पूरे भाई लोग है ये। तो मैं जीशान सिद्दीकी भाई के लिए, जो उन्होंने उनकी फैमिली बताया, उसके लिए मैं एक शेयर कहना चाहता हूँ कि मैं मतलब जीशान सिद्दीकी भाई, मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। मैंने खुद कोरोना काल में काम किया और इनके साथ भी काम किया जीशान सिद्दीकी भाई के साथ, लेकिन जब मैंने इनके डीप में गया, जब इनकी हर चीज मुझे पता चलते गई, तो मुझे लगा कि नहीं, सही में 24 कैरेट सोना है जीशान सिद्दीकी भाई। और वो इसलिए कहा मैंने 24 कैरेट सोना कि इन्होंने कोरोना काल में जितने भी मरीज थे, पेशेंट थे, जिनके 5-5, 6-6, 7-7 लाख रुपए डॉक्टर ने बिल बनाए थे, जिनकी हैसियत 1 लाख रुपए देने की भी नहीं थी, ऐसे लोगों के नागपुर के डॉक्टरों ने बड़े बड़े बिल बनाया था, उनकी लड़ाई इन्होंने लड़ा जो सबसे विपरीत थी, अलग थी, उनके साथ कांधे से कांधा लगा के खड़े रहे। ऐसे मैं हॉस्पिटलों के नाम नहीं लूंगा, तो कई हॉस्पिटलों के लिए इन्होंने लड़ा, कई लोगों के लिए, कई मरीजों के लिए लड़ा, और उनके बिल भी कम करवाए, और प्लस ये कि डॉक्टरों ने माफी भी मांगा इनसे कि नहीं, हमसे गलती हो गई थी। तो इन्होंने कोरोना काल में काफी काम किया, राशन तो इतना बांटा कि मैं बता नहीं सकता, बहुत राशन बांटा है इनकी टीम ने कोरोना काल में। जिसने सही में काम किया ना, वो ऐसे लोग हैं जिनके पास मैं आज खड़ा हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और मैं इजाजत लूंगा, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि रियाज भाई ने जो पुरस्कार पाए हैं, जो गवर्नर महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी जी ने जो इनको पुरस्कार दिया है, ये महाराष्ट्र के लिए, हमारे नागपुर के लिए तो है ही है, पूरे महाराष्ट्र के लिए एक गर्व की बात है कि महाराष्ट्र में मैं आया है, जो कि हमारे रियाज शेख भाई ने जीते हैं अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से। तो बहुत ज्यादा खुशी की, बहुत ज्यादा गर्व की बात है। और ये जो चीज है जो हाईलाइट होना चाहिए, कई चीजें जो जिस लेवल पर हाईलाइट होना चाहिए उस लेवल पर कई बार हाईलाइट नहीं की जाती है, तो मेरा ये मानना है कि ये चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इस चीज को हाईलाइट करना चाहिए। ऐसे जो रियल पत्रकार है इनको सम्मानित किया जाना चाहिए,
ये क्योंकि गर्व की बात है, हमारे लिए नहीं पूरे महाराष्ट्र की जनता के लिए गर्व की बात है। इतना ही कहूंगा मैं, जय हिंद जय भारत। हमारे साथ में रियाज शेख भी बैठे हैं और वो सम्मानित हुए हैं राज्यपाल के जरिए में, तो आपको जो मतलब कर्तव्य प्रेरणा पुरस्कार से नवाजा गया, तो आपको जो प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए क्या होता है कि हम जब काम करते हैं ना, तो ईमानदारी और निष्ठावान बन के अगर काम करते हैं चाहे किसी भी फील्ड में, तो कामयाबी हमारे पीछे दौड़ती है, तो कामयाबी हमारे पीछे दौड़ती है। हमने कामयाबी के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, हम एक लक्ष्य बना ले कि हमें अगर किसी की समस्याओं का समाधान करना है और आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो कायनात आपके साथ रहती है, दुआएं आपके साथ रहती है, आशीर्वाद आपके साथ रहते हैं। बस यही था कि मैं अपने मेहनत और लगन से काम कर रहा था, बस मैंने कभी पुरस्कार को लेकर काम नहीं किया, शायद करता तो आज मुझे कुछ नहीं मिलता, लेकिन मैंने काम को देखकर काम किया और काम को देखकर काम करने से आज पुरस्कार से मुझे सम्मानित किया गया है गवर्नर जी के हाथों। और साथों साथ मैं जनता फाउंडेशन के सिद्दीकी साहब, मैं उनके भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जीशान सिद्दीकी साहब ने काफी वर्क किया है, नागपुर ही नहीं बाहर भी काम किया है और कर रहे हैं अभी भी आज, तो उन्होंने आज मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर मुझे जो मान और सम्मान दिया है, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।